हॉपर साइंस लैब के अंदर चोरी छुपे घुस गया था और कुछ दरवाजा खोलता है। वो आगे बढ़ता जा रहा था लेकिन तभी उसे दो ऑफिसर देख लेते हैं। हॉपर कहता है कि मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना आया हूँ, यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बुलाया है। यह ऑफिसर मेन हेड को कॉल करके कंफर्म करने की कोशिश करता है लेकिन इतनी देर में हॉपर उन पर अटैक कर देता है। एक कार्ड से उनका एक्सेस कार्ड ले लेता है और सामने वाले दरवाजे के अंदर एक्सेस कार्ड अप्लाई करके चला जाता है। अंदर वो दरवाजा कोई और ना खोले इसी वजह से वो एक्सेस को तोड़ देता है। यहाँ पर हमें जॉयस उसके एक्स हस्बैंड के साथ दिखाई जाती है। लोनी आगे जॉयस को बस यही कह रहा था कि जल्दी से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। लोनी यहाँ पे अपने बेटे विल के बारे में सुनता हुआ पहुंचा था क्योंकि अगले दिन उसका फ्यूनरल था। लोनी जॉयस को पागल समझ रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम जो भी चीजें देख रही हो वो सारी चीजें गलत है, ऐसी चीजें सच में नहीं हो सकती। यहाँ दूसरी तरफ हॉपर इस रिसर्च लैब के अंदर अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे एक बच्चे वाला कमरा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे एक टॉय पड़ा हुआ था और दीवार पे लगी हुई एक बच्चे की पेंटिंग थी। यहाँ माइक डस्टिन ल्यूकस अभी विल के बारे में सोच ही रहे थे क्योंकि इन्हें ये तो पता था कि विल जिंदा है लेकिन इस वक्त वह कौन सी दुनिया में है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इसके ऊपर बात चल रही थी। यहाँ माइक को एक कंसेप्ट समझ में आता है कि क्या हो कि विल हम सब लोगों के सामने हो लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, इसका मतलब कि वो उल्टी दुनिया में हो यानी कि अपसाइड डाउन में। एक तरफ हॉपर आगे बढ़ता जा रहा था और कुछ सोल्जर्स को हॉपर के बारे में पता चल गया था, इसी वजह से हॉपर एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे माइक ल्यूकस और डस्टिन को समझाता है कि उस दिन एल्बी यही समझाना चाहती थी क्योंकि उसने दुनिया को समझाने के लिए बोर्ड गेम को उल्टा दिया था। ये बिल्कुल हमारी जैसी ही पैरेलल दुनिया है लेकिन इसके अंदर पहुंचने का रास्ता दूसरा होगा, विल इसी दूसरी दुनिया में होगा और हम उसे देख नहीं पा रहे होंगे। डस्टिन इन बातों के ऊपर बिलीव करने लगा था लेकिन ल्यूकस को अभी भी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। हॉपर आखिरकार उस कमरे तक पहुंच गया था जहाँ पे अपसाइड डाउन का रास्ता खुला हुआ था, वहीं दूसरी दुनिया जहाँ से निकलने वाले मॉन्स्टर पूरे कमरे को घेरे हुए थे। हॉपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे टच करने ही वाला था कि इतने देर में इस पूरे लैब के साइंटिस्ट आ जाते हैं जो कि हॉपर को बेहोश करके वहीं गिरा देते हैं। कुछ सेकंड की अगर और देर हो जाती तो शायद हॉपर भी इसी दुनिया के अंदर चला जाता। यहाँ जॉयस और लोनी जब एक साथ में बैठे हुए थे तो उसी टाइम पे जॉन आ जाता है जो कि अपने फादर को यहाँ देखकर भड़क जाता है। लोनी जॉन को समझाता है कि तुम्हारी माँ पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है और अगर मैं उनका इस टाइम पे साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। जॉन कहता है कि हमें आपकी पहले जरूरत थी, आज हम अकेले भी रह सकते हैं। लोनी कहता है कि मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विल के फ्यूनरल के लिए आया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब अगले दिन सब यहाँ पर विल के फ्यूनरल के लिए तैयार होने लगते हैं। यहाँ पे हम विल की डॉगी को भी देखते हैं जो कि विल के बनाए हुए फॉरेस्ट होम में चला जाता है। यहाँ पे जॉन भी जैसे तैसे करके तैयार होता है और जॉयस भी मन मार के फ्यूनरल के लिए तैयार होने लगती है। विल की फैमिली साथ ही साथ विल के सारे दोस्त ब्यूरल साइड पर पहुंच चुके थे जहाँ पे फादर के थ्रू विल को विशेष दी जा रही थी और यहाँ पे सभी लोग विल की आखिरी बातें याद करते हैं जहाँ पे जॉयस को अपने बेटे विल की पुरानी जिंदगी याद आने लगती है कि कैसे उसका बेटा उसके साथ में हंसी खुशी रहता था। अब सीन चेंज होता है हॉपर पर जिसकी आंखें उसके घर में खुलती हैं। उसे पहले ही लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कोई न कोई ट्रांसमीटर फिट किया गया है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर को देखता है जहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ था। वो अपनी बंदूक लेता है और घर के बाहर देखता है कि आखिर उसे यहाँ कौन छोड़ने आया था या फिर आसपास कोई जासूस तो मौजूद नहीं है। हॉपर अपने घर की हर एक चीज उखाड़ कर फेंक देता है तब जाके उसे एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिलता है। इसका मतलब ये साइंस लैब वाले हॉपर के ऊपर नजर रख रहे थे। इधर हेड को भी पता चल जाता है कि कैसे इन दिन बच्चों ने माइक डस्टिन ल्यूकस ने विल से बात करने की कोशिश की लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसी कारण डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे जरूर 11 थी। यहाँ नैन्सी आगे जॉन से बात करती है क्योंकि नैन्सी को बुरा लग रहा था कि जॉन का भाई विल मर गया है और ये दोनों भी जान चुके थे कि असल में जहाँ से बार बार गायब होती या फिर विल गायब हुआ है इन्हें गायब करने वाला कोई न कोई मॉन्स्टर तो है और कुछ ऐसा जिसके बारे में जॉयस को भी पता है और अगर इन्हें बारबरा को ढूंढना है तो शायद इन्हें वापस से स्टीव के घर जाना पड़ेगा। नैन्सी ने जैसे जैसे उस मॉन्स्टर का हुलिया बताया था जॉन को ये सारी बातें याद आ रही थी कि जॉयस ने भी सेम टू सेम ऐसा ही हुलिया एक मॉन्स्टर का बताया था और अब जॉन को भी बिलीव होने लगता है। इसी कारण वो नैन्सी के साथ बारबरा को ढूंढने निकल गया था। वो एक कार में से चोरी करते हैं जहाँ उन्हें गन मिल जाती है। साइंस लैब वालों ने स्कूल के अंदर एक सर्च टीम भेजी थी जहाँ पे उन्हें जला हुआ रेडियो मिलता है जिससे इन्हें पता चल गया था कि बच्चे और 11 यहीं पे थे। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब सभी लोग एक जगह पर थे तो वहाँ पे माइक डस्टिन ल्यूकस अपने साइंस टीचर के पास आते हैं और यहाँ पर ये तीनों अपने साइंस टीचर से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए थे। ये कहते हैं कि एक बुक जिसके अंदर लिखा है कि हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं कि क्या ये बात सच है। जहाँ साइंस टीचर कहता है कि नहीं ये बात बिल्कुल सच नहीं है। बच्चे इसके बारे में डिटेल में पूछना शुरू करते हैं
कि आखिर ये बात क्यों सच नहीं है, और अगर थ्योरी लिखी गई है तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस दुनिया में कैसे जा सकते हैं। जहाँ पे साइंस टीचर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है, एक व्हाइट प्लेट पे ड्रॉ करता है कि हम इंसान हैं, हम आगे और पीछे जा सकते हैं लेकिन हम इस दुनिया के नीचे नहीं जा सकते। वो एक बहुत ही बारीक चीज बनाते हैं, यानी एक छोटा सा जानवर मक्खी, जो कि इस दुनिया में भी रह सकती है, साथ ही साथ दूसरी दुनिया में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इंसानों का ऐसा करना नामुमकिन है। तब यहाँ पे माइक पूछता है कि अगर मान लीजिए किसी को ऐसा दरवाजा मिल जाए तो क्या दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। तो साइंस टीचर कहते हैं कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए दरवाजा तो चाहिए, लेकिन अगर वो इस दुनिया में खुल जाए ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये एक ब्लैक होल की जैसा होगा, वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पूरी अर्थ का मैग्नेटिक सिस्टम चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये एक ब्लैक होल की जैसा हो जाएगा और पूरी दुनिया में हर एक चीज अनस्टेबल हो जाएगी। माइक डेस्टिनो ल्यूकस को ये तो समझ में आ चुका था कि दूसरी दुनिया के बाद बिल्कुल सच है, यानी कि दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहां तक जाने के लिए उन्हें कोई रास्ता चाहिए। तभी बच्चे पूछते हैं अपने साइंस टीचर से कि अगर ये रास्ता बना दिया गया दूसरी दुनिया के लिए तो फिर ये कैसे बनाया जा सकता है। तो साइंस टीचर कहते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, अब तक ऐसी एनर्जी किसी ने भी प्रोड्यूस नहीं की है। आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसी एनर्जी किसी ने प्रोड्यूस कर दी होगी तो मानो कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी एनर्जी से एक बड़ा सा होल हो सकता है। यहाँ सीन चेंज होता है हॉपर के घर पे, जहाँ ऑफिसर्स हॉपर को बुलाने के लिए आए थे, लेकिन हॉपर इनके साथ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि कुछ केसेस तुम सॉल्व कर लो, बाकी का मैं अपने आप देख लूंगा। लोनी यहाँ पे जॉयस के घर के अंदर उस दीवार को ठीक करवा रहा था जो कि जॉयस ने बिल्कुल ढूंढने के लिए पूरी तरीके से उखाड़ दी थी। दूसरी तरफ माइक डेस्टिनो ल्यूकस एल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी दूसरी दुनिया के बारे में पता है, क्योंकि हम आज ही उसके बारे में हमारे साइंस टीचर से बात करके आए हैं। लेकिन एल यहाँ पे किसी चीज का जवाब नहीं देती, मानो कि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता ना हो। लेकिन तभी डस्टिन का दिमाग चलता है और वह अपने दोस्तों के सारे कंपास मांगता है। वो कंपास की एक थ्योरी बताता है कि कंपास के अंदर कोई बैटरी और कोई सेल नहीं चलता, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो करता है। लेकिन ये सारे कंपास एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं? कंपास हमेशा सूरज की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये सारे कंपास एक साथ नॉर्थ की तरफ कैसे इशारा कर सकते हैं? ल्यूकस कहता है कि इसका मतलब ये सारे कंपास खराब हो गए हैं। तो डस्टिन कहता है कि नहीं, ये सारे कंपास किसी ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कंपास हमें उसी दरवाजे की तरफ लेके जाना चाहते हो जो कि दूसरी दुनिया का हो। ये चीज सुन के इलेवन बहुत ज्यादा डर जाती है, मान लो कि जैसे उसे इस चीज के बारे में पता हो। दूसरी तरफ नैन्सी यहाँ पे स्टिक को लेके प्रैक्टिस कर रही थी ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उनके सामने आए तो वो उसे मार डालें। तभी वहाँ पे स्टीव आता है जो कि उससे कल हुई गलती के बारे में माफी मांगता है और साथ मूवी चलने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी उसे वहाँ इग्नोर करती है और कहती है कि मेरे भाई माइक को मेरी जरूरत है, उसका दोस्त फिल्म मारा गया है, इसी कारण शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। स्टीव नैन्सी की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। असल में नैन्सी को तो बारबरा को ढूंढने के लिए जाना था, इसी वजह से वो स्टीव को यहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ जॉयस को पता चल चुका था कि लोनी यहाँ पे अपने फादर के कारण रुका हुआ है, कुछ इंश्योरेंस के पैसे आने थे और उन पैसों को लेकर लोनी यहाँ से चला जाता। तब जॉयस बहुत गुस्सा हो जाती है और लोनी को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के पैसे लेने के लिए आए हो, तुमने हमारी कभी भी मदद नहीं की। और इसी बात पर लोनी को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम पागल औरत हो, तुम दो बच्चों को संभाल नहीं सकती और खुद की हालत देखो, घर की हालत देखो, मैं बस तुम्हें संभालने के लिए आया हूँ। इधर नैन्सी और जॉन एक साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को कॉल करता है। हमें पता चलता है कि हॉपर की वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है और अब इन्हें एक बच्चा भी है। दूसरी तरफ माइक डस्टिन ल्यूकस और एल एक साथ इन कंपास को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ल्यूकस गुस्सा होता जा रहा था क्योंकि डस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हें बस सीधे सीधे चलते जाना था जहाँ तक इन्हें कंपास लेके जा रहा है। तभी यहाँ पे एल को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि इस दिन से रिलेट करते हैं। इस बार फिर से एल के पास में उनके फादर यानी कि साइंस हेड आते हैं जो कहते हैं कि इस बार तुम्हें पानी के अंदर जाके अपना ध्यान लगाना है और अपनी पावर से इस इंसान को ढूंढना है। एल को कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और उसके सर पे काफी सारे वायर्स लगा दिए जाते हैं। उसे एक बड़े से टैंकर के अंदर डाल के बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। एल किसी को आगे नहीं जाना देती और कहती है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ नैन्सी और स्टीव भी पहुंच चुके थे बारबरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि यही वो जगह थी जो कि स्टीव के घर के पास में थी और विल के घर के पास में भी थी, यानी कि यहीं से विल गायब हुआ है और साथ ही साथ बारबरा भी। हॉपर यहाँ जॉयस के पास पहुंच चुका था और कहता है कि बिल्कुल शांत रहना, साइंस लैब वालों ने उनके ऊपर नजर रखी है। अब ल्यूकस जब किसी भी बात के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था तो उसका डस्टिन और माइक से झगड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं वो एल के ऊपर भी चिल्लाने लगता है
और कहता है कि सब कुछ इस एल को पता है, फिर भी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। असल में ये सभी लोग विल के घर के बाहर खड़े थे। माइक कहता है कि पहले भी हम लोग विल के घर के पास आए थे, हमें पहले भी एल यहीं पर लेके आई थी। लेकिन ल्यूकस भड़क जाता है और कहता है कि विल अपने घर पर कैसे हो सकता है, आखिर एल हम लोगों को समझती क्या है, कहीं यहीं से वो दूसरी दुनिया का रास्ता नहीं है, या फिर इसने ही वो दूसरी दुनिया का रास्ता तो नहीं खोला। इसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये बातें क्यों नहीं बता रही। इंदर हॉपर यहाँ पे जॉयस के घर पे सारी लाइट्स को नीचे उतार देता है। जॉयस पूछने की कोशिश करती है कि आखिर बात क्या हुई, मुझे सब कुछ बताओ। तब हॉपर यहाँ पे जॉयस को कहता है कि तुम सच कह रही थी, विल अब तक जिंदा है। जिसकी बॉडी मिली थी वो हॉकिंस की सर्च लैब का एक पुतला था, सच को छुपाने के लिए। यहाँ ल्यूक और जस्टिन और माइक दोनों से झगड़ा करने लगते हैं। माइक एल के बारे में बुरा नहीं सुन सकता था, इसी वजह से ल्यूकस को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम गलत बोल रहे हो, एल ऐसी नहीं है, वो जान करके हमें नहीं फंसाना चाहती, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हम लोगों को बता देती। लेकिन ल्यूकस बहुत गुस्से में आ जाता है और एल से जबरदस्ती करने लगता है कि बताओ आखिर तुम क्या जानती हो, तुम हम लोगों को विल से दूर क्यों करना चाहती हो, अगर तुम्हें विल के बारे में कुछ भी पता है तो हमें क्यों नहीं बता रही हो, कहीं तुम्हारे कारण ही तो विल गायब नहीं हुआ है। यहाँ माइक गुस्से में आने के कारण ल्यूकस को धक्का दे देता है और इन दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। तभी एल जोर से चिल्लाती है, अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से ल्यूकस बहुत दूर जाके गिरता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। माइक एल के ऊपर चिल्लाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हम दोनों आखिर बात ही तो कर रहे थे। जहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हम यहाँ एल का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। वो खुद को एकदम अंधेरी सी जगह पर देखती है जहाँ पर उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि कुछ न कुछ चीजें रिपीट कर रहा था। वो आदमी एकदम से ही गायब हो जाता है। हालांकि वो आदमी जो भी अपने मन के अंदर रिपीट कर रहा था वो सारी चीजें स्पीकर पे बाहर आ रही थी। लेकिन एल को लगने लगता है कि इस अंधेरे कमरे में उसके पीछे कोई और भी है। वो आगे भागती जा रही थी लेकिन उसका पीछा और कोई भी कर रहा था। तभी उसे होश आता है और असल में वो अभी तक पानी वाले ड्रम के अंदर थी। प्रेजेंट टाइम में माइक डस्टिन मिलकर ल्यूकस को उठाते हैं। ल्यूकस गुस्से में आ जाता है और वो अपने दोस्तों को धक्का देके वहां से चला जाता है। डस्टिन माइक से कहता है कि इसे यहां से जाने दो, लेकिन तब यहां से एल भी गायब हो गई थी। नैन्सी और जॉन को बारबरा को ढूंढते हुए रात हो गई थी। ये जंगलों में अभी भी बारबरा से मिलने की होप कर रहे थे। तभी नैन्सी और जॉन को आवाज आती है। असल में ये आवाज एक जानवर की थी, एक डियर की, जो वहीं पे आत्मारा पड़ा था। नैन्सी कहती है कि हम यहाँ पे इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। वो अपनी गन निकालती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी उस हिरन को पीछे की तरफ कोई खींच लेता है। नैन्सी और जॉन देखते रह जाते हैं कि आखिर वो गया तो कहाँ गया। ये दोनों उसे हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन वो हिरन इन्हें दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब यहाँ पे नैन्सी को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, उसके अंदर एक होल था जो कि पूरा खून से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर तक जाने की जगह भी नहीं थी। नैन्सी ने वहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफी करी और वो उसके अंदर चली गई, जहाँ का रास्ता एक दूसरी दुनिया में खुल जाता है। वो पेड़ अपने आप ही हील हो जाता है और बंद हो जाता है। नैन्सी को आखिर समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है। असल में नैन्सी जो थी वो इसी जंगल के अंदर थी, लेकिन असल में ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड है। नैन्सी को डर लगने लगता है और अब यहाँ पर उसकी टॉर्च भी गिर जाती है। वो मदद के लिए जॉन को बुलाती है और उसे लगता है कि उसकी तरफ कोई दूर से भागता हुआ आ रहा है। दूसरी तरफ जॉन को भी यहाँ पर नैन्सी नहीं मिलती, वो भी इसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।